हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है निगी सरोज ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग बनने वाला है, मैं जा रही हूँ वाटर क्रिस्प की सब्ज़ी उठाने। मतलब जो वाटर क्रिस्प, मतलब हमारे लैंग्वेज में यहाँ पे उसे बोलकू बोलते हैं, जो पानी के नज़दीक जो पानी वाला एरिया होता है, चश्मे का जो पानी होता है वहाँ पर बनती है वो सब्ज़ी। उसे उगाई नहीं जाती है, वो खुद ब खुद उग जाती है। और यह जो सब्ज़ी है इसे सर्दियों में खाई जाती है, यह बहुत गर्म होता है इसलिए इसे सर्दी में खाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम सब्ज़ी उठाने। तो चलिए, ये है वाटर क्रिस, इसे हमारी बोली में बोलते हैं बुलकू, और हिंदी में इसे जलकुंभी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ने वाटर क्रिस की सब्जी उठा ली है, ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा उठाया है। अब इसे हम घर जाकर अच्छे से छाटेंगे, धोएंगे और इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये जो सब्जी होती है यह गर्म होती है। इसके अलावा इसमें और इसके कुछ अन्य बेनिफिट्स भी होते हैं। तो पहले मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ, फिर मैं इसके बेनिफिट्स बताऊँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं सब्जी को अच्छी तरह से धोऊंगी इस तरह से। मैंने सब्जी को अच्छी तरह से धो लिया। अब करूंगी मैं तो सब्जी मैंने काट कर रख दिया है। अब मैं करूँगी सब्जी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल गर्म होने के लिए रखा है, और प्याज मैंने काट कर रख दिया था।
देखिए तो तेल गरम हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। अब मैं डालूंगी इसमें मिर्च और इसे ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक। बाकी इसमें ज़्यादा मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है। और इस सब्ज़ी में टमाटर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस सब्जी को पकने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा डिनर। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैंने वाटर क्रिस की सब्ज़ी बनाई, तो मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे थायराइड ग्रंथि को कामकाज करने में मदद करता है, जुखाम को रोकने में भी सहायता करता है और इससे यह हमारी हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है और इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और ये हमारे त्वचा के लिए भी लाभदायक है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।